अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 30.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, बल्कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड वन, मतलब ये पहली इक्वेशन है इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, कन्वर्ट कर दें किसमें, टेन स्क्वायर थीटा में। मतलब इसको सॉल्व करके आप टेन स्क्वायर थीटा लिए हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का तो कोई मामला नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी कीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्लास 8-7 में पढ़ाते हैं। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन पे तो लगाते नहीं है। अब ये टेन स्क्वायर थीटा तो बना नहीं है अभी फ़िलहाल। याद है मैंने आपको बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर टेन वन को वहाँ भेजें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। ठीक है, ये हो गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने इक्वेशन। अब पहले ये देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा सवाल है। अब देखें इसको हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, कोसेक थीटा अच्छा प्लस कॉट थीटा। कोसेक का इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स वन अपॉन साइन थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो ये आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होते हैं तो सिर्फ एज इट इज़ कॉपी कर दिया करें ऊपर वाले न्यूमिरेटर्स को। अब आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया, आसान सवाल था। आप इधर आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस और साइन को तो छोड़ दें, नहीं छेड़ना हमें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज अच्छा माइनस कोसेक का। स्टूडेंट्स वो क्या होता है, क्या कहते हैं, इन्वर्स, कोसेक का इन्वर्स होता है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में आ गया कॉस थीटा। ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब चूँकि देखें कॉस अपॉन साइन वैसे किसके बराबर होता है, इसके अपने तो इन्वर्स अभी नहीं लगाने, लेकिन कॉस अपॉन साइन लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है स्टूडेंट्स किसके, टेन थीटा के। समझ में आ गया इतना, अच्छा ये जो लिखा हुआ है वन अपॉन साइन, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नीचे क्या था, कॉस था, कॉस के नीचे वन, जब ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये चीज़ भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, कॉस अपॉन वन था, ये हो जाएगी वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आया समझ में, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा जी, ये हमने जो टेन थीटा लिखा है, तो फर्स्ट करें मैं इसको ना रब करके वापस वही लिख देता हूँ, आएगा तो टेन ही लेकिन फ़िलहाल मैं वही लिख रहा हूँ, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। इसलिए क्योंकि ये भी कॉस साइन में दिया है, इसलिए मैंने फ़िलहाल टेन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कराएं, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास, रह जाएगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा जी, साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कराइए, पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा वन। नीचे क्या चल रहा है, अच्छा ये तो यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ आना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आ गया। अब क्या करें, हमें लाना है माइनस टेन, सही है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको पता होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या होता है याद है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला किसका होता है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है वन के। अब हमें फार्मूला किसका मालूम करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर वन को यहाँ लिया है माइनस वन हो गया, और साइन को वहाँ भेजें माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह मैं क्या लिखूँगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लें आप, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ करता हूँ, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल, तो ये रह गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और नेगेटिव साइन तो चल रहा है। दैट एंड्स एक्सरसाइज नंबर 30.4।